हाय एवरीवन, चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो मैं बताने वाली हूँ साड़ी के लिए ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल सिर्फ एक क्लचर की मदद से। तो किस तरीके से बनाना है सब कुछ वीडियो में देखने को मिलेगा, तो चैनल को सॉरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पहले आपको बालों को ये तो पार्टीशन कर लेना है, ओके। इसी तरीके से दूसरी साइड भी करेंगे, ओके। पार्टीशन करने के बाद से हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ से फ्रेंच चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, बिल्कुल बराबर में मांग होनी चाहिए। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे बालों को, जितना हमने लेयर उठाया है। और सिंपली जैसे हम लोग चोटी बनाते हैं वैसे बनाना स्टार्ट करेंगे, छोटा छोटा लेयर लेके इसमें मिक्स करते जाएंगे। ओके, इसी तरीके से पूरा बैक तक गूंथना है बालों को। बहुत प्यारा लगेगा अगर आप साड़ी पे ये वाला हेयर स्टाइल बना रहे हो तो। और फेशियल मसाज की रिक्वेस्ट आ रही है तो वो भी जरूर पूरी करूंगी बहुत जल्दी। बस थोड़ा सा आईज में मेरे प्रॉब्लम है, अभी आई फ्लू हुआ था तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए गाइस, अभी आप हेयर स्टाइल देख सकते हो। सब कुछ सारी चीज़ों की वीडियो आएगी, मेकअप की एंड फेशियल मसाज जो भी ब्यूटी टिप्स वगैरह होते हैं सब चीज़ों की। तो ईयर तक इस तरीके से चोटी को बनाएंगे। वन सेकेंड, तो इसी तरीके से बनाते जाना। सॉरी, बैक साइड से दिखाती हूँ। अच्छे से फिनिशिंग देते हुए घुटते जाएंगे। बस यहाँ तक गूंथने के बाद से थोड़ा थोड़ा सा लेयर लेके खजूरी चोटी बना लेंगे, बिल्कुल छोटी सी। उसके बाद से आपको एक रबर बैंड लगा देना है इस चोटी में, या फिर आप क्लिप से भी सेट कर सकते हो। ओके, अब मैं यहाँ पे क्लिप से इसको सिक्योर कर रही हूँ। आप चाहो तो रबर बैंड भी लगा सकते हो अगर आपको क्लिप नहीं लगाना है तो। ओके, अब बारी आती है फ्रंट के बालों की। फ्रंट के बालों में आपको क्या करना है, सिंपली इसको टू पार्ट्स में इस तरीके से उठाएंगे, एक लेयर और उठाएंगे और इस तरीके से जो हम लोग ट्विस्टिंग करते हैं वैसे ही ट्विस्टिंग करेंगे। और ऊपर की तरफ हाथ सक के ही करना है, जिससे क्या होगा कि हमारी जो मांग है वो दिखाई नहीं देगी और हेयर स्टाइल का लुक जो है वो काफ़ी अच्छा आएगा। अब इसको ट्विस्ट करते हुए जाएंगे एंड जहाँ पे हमने क्लिप लगाया है वहीं पे एक और क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर देंगे। ओके, सेम इसी तरीके से आपको
दूसरी साइड भी करना है। फ्रंट वाले पार्ट को ऊपर की तरफ ले जाना है और ऊपर वाले पार्ट को नीचे की तरफ इस तरीके से रखते जाना है, और काफ़ी खूबसूरत आपका जो ट्विस्टिंग है वो बन के रेडी हो जाएगा यहाँ पे। फिर दूसरा क्लिप लेंगे और दूसरी साइड इसको सिक्योर कर देंगे। इतना करने के बाद से आपको क्या करना है, सारे बालों को एक साथ ले लेंगे और एक रबर बैंड लगाएंगे। जो भी क्लिप आपके रबर बैंड के अंदर आ रहे हैं उनको आप रिमूव कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे रबर बैंड लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके बालों में दिक्कत भी नहीं रहेगी, जैसे अनकंफर्टेबल भी नहीं होगा आप। तो मैंने यहाँ पे सारे क्लिप्स रिमूव कर दिए और हमारा हेयर स्टाइल भी वैसे का वैसे है। तो देखा आपने, सिर्फ एक रबर बैंड से आप ये खूबसूरत सा पोनी टेल क्रिएट कर सकते हो जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है और आपको बहुत सारे क्लिप्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इनको होल्ड करने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए क्लिप्स चाहिए, बट आप इसको आप ऐसे भी बना सकते हो और क्लिप्स को रिमूव कर सकते हो। बाद में आप रबर बैंड को हाइड करने के लिए इस तरीके से एक यू पिन ले लीजिए और थोड़ा सा बालों का सेक्शन लेके इस तरीके से लगा दीजिए। तो ये तो हो गया एक रबर बैंड से ब्यूटीफुल सा पोनी टेल हेयर स्टाइल। बट अगर आपको बन बनाना है, गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो आपको लेना है एक क्लचर, ओके। तो क्लचर की मदद से आपको एक खूबसूरत सा बन बता रही हूँ मैं यहाँ पे। आपको करना है पोनी टेल के हेयर को ऊपर की तरफ इस तरीके से, और क्लचर को लगाना है रबर बैंड के जस्ट ऊपर। अगर आपका क्लचर छोटा पड़ रहा है तो आप थोड़ा बड़ा क्लचर यूज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे छोटा वाला ही क्लचर यूज कर रही हूँ। ओके, इस तरीके से करना है। देन आपको एक छोटा वाला पतला वाला रबर बैंड लेना है, जितने में आपका क्लचर हाइड हो जाए अच्छे से वहाँ पे आपको रबर बैंड को लगा देना है। ओके, थोड़ा सा इसको खींच लेंगे और इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। रबड़ बैंड को अंदर की तरफ इस तरीके से करेंगे जिससे कि रबड़ बैंड दिखाई ना दे। टू पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक यू पिन या बॉबी क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे यू पिन लगा रही हूँ। अच्छे से क्लचर को हाइड कर लेंगे और ये जो हेयर बचे हुए हैं इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करके सिंपली इस तरीके से बन के चारों तरफ लपेटेंगे और यू पिन लगा देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड के हेयर को भी करना है। आपस में ट्विस्ट करेंगे इसको भी दूसरी साइड से लेके आएंगे और यू पिन से सिक्योर कर देंगे।
तो इस तरीके से हमारा खूबसूरत सा साड़ी के लिए एक क्लचर की मदद से ब्यूटीफुल सा बन रेडी है। अगर आपको इतना ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, आप इसको और थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे एक यूपिन और लगा दीजिएगा, क्योंकि ये लूज पड़ रहा है और ये खुल सकता है बाद में, इसलिए दोनों यूपिन को लेके इस तरीके से लगा दीजिएगा। अगर आपको इतना ज़्यादा नहीं करना है, सिंपल सा लुक चाहिए इसी हेयर स्टाइल के साथ, तो मैं बता रही हूँ पार्टी में काफ़ी खूबसूरत लगेगा ये हेयर स्टाइल। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस तरीके से बालों को पहले ओपन कर लीजिए। क्लचर को रिमूव कर लेते हैं, रबर बैंड को भी रिमूव करेंगे, क्लचर को निकाल देंगे। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से बालों को राउंड राउंड घुमाना है, और इस तरीके से जो सेंटर वाला पार्ट है ये वाला, इसको अंदर की तरफ लेके आएंगे और रबर बैंड के ऊपर रखेंगे ऐसे, ओके। और क्लचर को लेंगे, सिंपली सेंटर में क्लचर को लगा देंगे और हेयर को थोड़ा थोड़ा सा खींच लेंगे, जिससे कि जो हमारा बन है वो थोड़ा अच्छा दिखे। तो इस तरीके से भी आप बन को बना सकते हो। तो ये काफ़ी इजी है, सिंपल है, और आप इसको भी बना के, और इसको आप थोड़ा सा डेकोरेट करना है तो गजरे से आप इसको डेकोरेट कर सकते हो, क्लचर को इस तरीके से हाइड करके, ओके। अब इसको आप गजरे के साथ डेकोरेट कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा सा लुक आ जाएगा। तो ये हो गया एक क्लचर की मदद से फोर हेयर स्टाइल, वन रबर बैंड की मदद से और क्लचर की मदद से। तो कैसा लगा आपको आज का हेयर स्टाइल, आई होप कि पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, अगर आप साड़ी डाल रहे हो तो ये सारे हेयर स्टाइल जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।